मन के सावरिया बन गईलो तू, चुपके से का कईलो तू, नस नस में तू गईलो समाय, डाल दलो परेशानी में गजब के रोग धरा दिहलू रानी हमके जवानी में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सिप यादव पे। दोस्तों मेरा नाम है चंद्र प्रकाश और आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1D अनुपात समानुपात को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों टॉपिक पर आने से पहले यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो तो आपको पसंद आना ही आना है। तो चलिए क्वेश्चंस को 1 by 1 करके सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आज आपका है दोस्तों, 2346 मीटर लंबी डोरी को, किसको 2300 मान लेते हैं, ये आपकी एक डोरी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहला है, ये आपकी 2346 मीटर मान लेते हैं आपकी लंबी डोरी है, ठीक। 2346 मीटर लंबी डोरी को 8:15 के अनुपात में विभाजित कीजिए, कितना में, 8:15 में। तो कुछ नहीं मानेंगे, मान लेते हैं दोस्तों दोनों जो लंबी डोरी होगी आपको कितने में करना है, 8:15 में, 8:15 में आपको विभाजित करना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, कर लेंगे, देखिए डोरी जो है आपकी 2346 मीटर है तो इसमें क्या करिए, देखिए डोरी की जो लंबाई है रेशियो है 8x और 15x, क्या थी माना डोरी, क्या थी आपकी 8x मीटर तथा 15x मीटर थी। अब इसमें हम क्यों मानेंगे, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कोई भी संख्याएं, जैसे अगर 12 हो और दूसरी 10 हो, ये दोनों संख्याएं हैं, लेकिन जब इनको हम लोग अनुपात में बदलते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन होता है, जैसे 12 बटा के हम 10 लिखेंगे तो ये अनुपात में लिखेंगे, इनमें जो आपका कॉमन होगा उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो इन दोनों में कुछ कॉमन रहा होगा तब तो ये अनुपात में हुआ है, तो क्या होगा आपका 8x और 15x। अब पूरी जो आपकी लंबाई है इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, इन दोनों को आपको क्या करें जोड़ दें, मतलब कि योगफल, डोरी की लंबाई लिख दें, डोरी की संपूर्ण लंबाई, संपूर्ण लंबाई, तो कितना हो जाएगा आपका, दिया है ना 2346 मीटर, तो 2346 मीटर। अब ये दोनों को अगर जोड़ दें 8x और 15x को तब आपका कितना आएगा 2346 मीटर आएगा। तो चलिए जोड़ लीजिए, तो देखिए 8x और 15x लिखेंगे, 8x प्लस 15x बराबर 2346, तो दोनों को कर दीजिए तो 15 8 कितना हो जाएगा 23, 23x बराबर कितना हो जाएगा 2346 मीटर। तो x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकाल लेंगे तो आपका क्या होगा 2346 बटा के 23, तो कट कर दीजिए, देखिए 23 एकम 23, यहाँ पर 23 एकम 23, यहाँ 46 है, 0 कर देंगे और 23 दूना 46, 100 x बराबर कितना आ जाएगा 102 मीटर आ जाएगा। लेकिन रेशियो आपसे पूछा है ना, क्या पूछा है, रेशियो पूछा था, तो अब देखिए इसको ये जो x का मान है यहाँ पर रख देंगे, कहाँ पर, 8x के स्थान पर, क्योंकि डोरी की जो आपकी लंबाई थी वो तो यही था ना 8x और 15x, तो 8x के जगह पर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 गुणते 102, और 15x के जगह पर लिख देंगे तो 15 गुणते 102, समझ में तो आवत हुई। तो देखें, अब देखिए यहाँ पर तो इसका करेंगे तो देखिए 8 दुना के 16, 8 जुड़ियाँ 0, 1, 8 एकम 8, एक ठो जो लंबैया थी कितना था 816, और दूसरा का 15 दुना 30, 15 जुड़ियाँ 0, 3, और 15 एकम 15, 1530 एक था और दूसरा था 816 मीटर, यही का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ में तो आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में काहे ना आई, यही बता पढ़ले जात बात।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 1440 रुपए को 3:4:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, 1440 रुपया कितना है आपका, 1440 रुपया। अब समझिए कि हम लोग तीन भाई हैं, क्या हुआ तीन भाई में हैं, उनको क्या हुआ कि 3:4:5 के अनुपात में बांट दिया गया, तो रियल में ये तो अनुपात है विभाजित कर दिया गया, लेकिन वास्तव में जो पैसा था इतना रुपया था तो वह ये तो अनुपात है, ये जो है आपका अनुपात है, लेकिन ये पूछ रहा था पैसवा कितना था जो अनुपात किया, तो 3:4:5 आया, तो मान लेंगे पैसवा क्या था, एक 3x था, दूसरा 4x था और तीसरा 5x था। हम x x तीनों में क्यों माने हैं, आपको बताए हैं कि अगर आपके पास 10 रुपया हो, एक के पास 12 रुपया हो, एक के पास 15 रुपया हो, तो इन तीनों में जो कॉमन हो कट जाए, तो इनके पास कट अगर रेशियो निकालेंगे तो इसको करेंगे 2 रेशियो, इसका हो जाएगा 4×3=12 ना ना कटी कैसे है जा बना, तो कोनो अनुपाते ना बन पाई, कटबे ना करी, मान लेते हैं एके देखी 25 कर लेता नहीं, तो कट जी देखी 2×5 हो जाए, है हेमें 5×5 हेमें 3×5, तो 5×5 तीनों में बानू तो कट जाए, तो का रेशियो आई 2×5:3 आई, तो कार यह मनवा रहा, ये तो मनवाता है नहीं, 10:25:15 था, तो इसी जगह पे इसीलिए हम करेंगे कि क्या था आपका 3x, 4x और 5x था। अब तीनों का जब योग होगा, उसको करेंगे तो हो जाएगा 3x + 4x + 5x, और इसका जो मान दिया है कितना दिया आपका 1440 रुपया, तो कर लेंगे 1440। अब देखिए 5×4=9, 3×12 12x = कितना हो जाएगा आपका 1440, तो x का मान देखी x बराबर कितना हो जाए 1440 और बटा कितना हो जाए 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12×1=12 कितना आया 2×14=2 यहाँ 24 हो गया, 12×2=24 तो कितना हो जाएगा 120 रुपया। अब आपको रेशियो में पूछा था, तो इसमें क्या करेंगे 3 में 120 का गुड़ा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12×3=36 360, मतलब इसके पास कितना था 360 था, इसके पास करेंगे तो 12×4=48, इसके पास कितना था 480, वही 4 में 120 का गुड़ा कर देंगे, ठीक, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 12×5=60 कितना हो जाएगा आपका 600, कितना हो जाएगा 600, समझ में आया होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो यही माना जाएगा आपका 1440, समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या कहा था, एकदम मजेदार क्वेश्चन, 391 रुपया को 1/2:2 2/3 3/4 के अनुपात में बांटिए, तो बस इसमें कुछ ना करे के बाद एहू के क्या है आपका 1/2:2 2/3 3/4 इसके अनुपात में बांटना है, तो ये तो बांट दिया गया है ना, लेकिन आप सबका रियल में मान कितना था 391, एकदम अच्छे तरह से समझिएगा, एकदम मजा आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों में अगर देखा जाए तो मान जो हमने बताया यक्ष, हम मान लेंगे कि ये जो वैल्यू थी आपकी 1/2 वाली 1/2 x थी, और ये वाली जो वैल्यू थी आपका 2/3 x थी, और ये वाली जो थी आपका 3/4 x थी, यहाँ तक समझ में आया। अब इन तीनों को जब जोड़ दिए, क्या किए, जब हम तीनों को योगफल करेंगे, क्योंकि पैसा तो इसी को ना बांटा गया है, जैसे हमारे पास 50 रुपये है, अब इसको हम तोड़ दिए तीन भाग में 10, 20 और 20, 10, 30 अगर 20 कर दिए तो अनुपात कितना होगा 1:2:2, लेकिन जब तीनों का योगवा करेंगे तो यक्षवा इसीलिए न माने हैं कि सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 391 आएगा, समझ में आया होगा। तब देखिएगा अब हम योगफल निकालेंगे तो कर देंगे 1/2:2x + 2/3x + 3/4x = कितना 391 रुपया, कितना 391। अब सबके जोड़नी, पहले क्या करें तीनों का हर बराबर करें तो 4×3=2 तो कल लॉस लेंगे तो कितना होगा आपका 12 रुपया, कितना होगा 12, 12 में 2 का भाग देंगे तो 2×6=12 और 6 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6x + 3×4=12, 4×2 में गुणा करेंगे तो 4×2=8 यक्स है तो यक्स + 4×3=12, 3×3 में गुणा करेंगे तो 9
एक्स बराबर कितना होगा 391। अब देखिए 9, 8, 17, 6, 23 तो 23x/12 बराबर 391। तो एक्स का मान निकालना है तो एक्स बराबर 391 में गुड़ते 12, ये 12 का इधर कर देंगे गुड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 12 बट्टा के जो 23 है नीचे आ जाएगा 23। तो कितना आपका आएगा देखिए 23 एकम 23, बचा कितना आपका 23 10 33 36 16 23 7 161। हाँ 23 7 तो कितना हो जाएगा आपका 17 में 12 का गुणा करिए तो आपका होगा 12 7 84 4 12 1 12 4 16। नहीं 12 7 84 4 12 1 12 8 20 कितना होगा आपका 204 रुपये। तो आपसे पूछ रहा अनुपात पूछा था तो यही वैल्यू 1/2 यक्ष के स्थान पर 204 रख देंगे। तो देखिए 1/2 यक्ष है ना, तो 1/2 एक्स के जगह पे 1/2 गुणते एक्स का मान कितना है 204, इसको कर देंगे तो आपका आएगा कितना 102 रुपये। एक कितना था 1/2 102 था, और दूसरा 2/3 यक्ष है, 2/3 यक्ष बराबर करेंगे तो 2/3 अगुणते यक्ष का मान कितना है 204, इसको करेंगे तो देखिए 3 6 18 2 24 3 3 8 24 बराबर करेंगे तो कितना 8 2 16 6 और 6 2 12 12 1 13 136। तीसरा कितना है 3/4 एक्स, तो बराबर कितना हो जाएगा 3/4 गुणते एक्स, एक्स का मान कितना है 204 है, करेंगे देखिए 4 5 20 4 1 4 51 करेंगे 3 1 3 5 3 15 153। तो कितना कितना रुपया था जिसको हम लोग रेशियो में बांटे थे 1/2 2/3 3/4 वो आपका था 102 रुपये, दूसरा 136 रुपये और तीसरा 153 रुपये। ऐसे भी इसको हम लोग साल्व कर सकते हैं, तो समझ में तो एकदम आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोचेंगे तुम्हें प्यार करे के नहीं ये दिल बेकरार करे के नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 1/12 1/75 के अनुपात को सरल अनुपात में बदलो। तो क्या लिखा है आपका देखिए, ए का मान मान लेंगे कि आपका कितना दिया है 1/12, और बी का मान मान लेंगे कि 1/2 दिया है, ये देखिए बी का मान है 1/75। अब आपको ए रेशियो बी बराबर कितना दिया है 1/12 1/75। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, 1/2 का होता है बट्टा के, तो इसको लिख सकते हैं 1/B बराबर लिख सकते हैं 1/12, ये रेशियो तो पूरा बट्टा कर देंगे 1/75। तो आपको बताया था कि बाहर का बाहर में गुणा और अंदर का अंदर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/B बराबर 75 का एक में करेंगे तो 75/12। तो इसमें कुछ होगा कॉमन, सरल अनुपात का मतलब होता है कि दोनों संख्या आपस में सह अभाज्य होनी चाहिए, कि दोनों का आपस में कटे ना। तो इसका करिए देखिए 4 3 12 25 3 75, तो ए रेशियो बी का सरल अनुपात कितना होगा 25:4। यह क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर हो जाएगा, तो मजा आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 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 इधर देखिए उधर कहाँ परेशान है, देखिए अगला क्वेश्चन पांचवा क्या कह रहा है, एकदम मजा आ जाएगा। देखिए बारूद में किसमें एक आपका क्या है बारूद है, क्या हुआ बारूद है, इसमें क्या कह रहा है आपसे कि बारूद में 16 गंधक और कोयले का मिश्रण, इसमें बारूद बनाया गया है, इसमें क्या है आपका 16 है और गंधक है और क्या है कोयला, तीन चीजों से मिला करके आपका बारूद बना हुआ। जैसे अगर मैं कहूं कि बर्फी बनी हुई, तो बर्फी बनाने में क्या क्या आपका लगा, दूध लगा, चीनी लगा, और उसमें लाचीदाना भी अगर कुछ आदमी डालता होगा तो डाला होगा ना, तो ये तीनों का अनुपात यहाँ पे दिया है, समझ में आया होगा। अब देखिए 16 गंधक और कोयले का मिश्रण कितना है आपका, देखिए 33 है,
दूसरा पांच है और ये सात है, ये तो अनुपात में दिया है, तो हम मानेंगे कि सोरवा कितना था, 33 x ग्राम, क्योंकि लास्ट में दिया ना टोटल 250 ग्राम, तो सोरा कितना था 33 x ग्राम, और गंधक कितना था 5 x ग्राम, और कोयला कितना था 7 x ग्राम। तो अब कह रहा है बारूद में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए, तो तीनों का अब जोग करेंगे, मतलब तीनों को जब जोड़ देंगे तो इसका मनवा कितना है, बारूदवा का 270 ग्राम है ना, तो जोड़ दीजिए इसको, योगफल बारूद, बारूद की मात्रा बराबर कितना हो जाएगा 270। ये समझ में आया। अब देखिए जब आपका 270 आया तो तीनों को जोड़ दीजिए 33 और 5 और 7, तो हो जाएगा 33x + 5x + 7x = 270। तो देखिए 33 और 5 आपका कितना हो जाएगा 38, 38 + 7 कितना हो जाएगा आपका 45, तो 45x = 270। तो x का मान निकालना है, x = 270/45 काट दीजिए, 9 + 5 = 45, ना 3 से काटिए, 15 × 3 = 45 और 9 × 3 = 27, 15 × 1 = 15, 15 × 6 = 90, तो x का मान कितना आया 6। अब आपको क्या करना है, अब देखिए सोरा कितना था आपका, सोरा ये तो 33 था, अब मात्रा कितनी थी 33x = 33x, तो इसमें क्या करेंगे 33 में हम 6 का गुणा कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा 36 × 18 = 198 ग्राम क्या था आपका, सोरा था। अब दूसरा क्या है 5x, ये 5x क्या है आपका गंधक, गंधक कितना है दोस्तों आपका 5x, तो इसमें क्या करेंगे 5 में 6 का गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा 30 ग्राम, 30 ग्राम क्या था आपका गंधक। और कोयला आप पूछ रहा है, तो कोयला की मात्रा कितना दिया है प्रतिशत में 7x, तो 7 में हम 6 का गुणा कर देंगे तो 7 × 6 = 42 ग्राम, 42 ग्राम क्या था आपका कोयला था। इहो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, एकदम मजा आ गया। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखिए, वो एकदम मजा से खत्म हुई। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है, कोई दो संख्या मान ली, एक संख्या आपकी ए हो गई या कुछ भी, दूसरी संख्या बी हो गई, ठीक, इन दोनों को जब हम अनुपात में किए तो अनुपात कितना दिया, इधर देखिए, देखिए ये कितना है 3:5 है, कितना 3:5, ये इन दोनों का अनुपात था, तो हम मानेंगे कि वो जो संख्याएं थी कितनी थी, माना संख्या क्या थी आपकी एक 3x और दूसरी क्या थी आपका 5x, कितना 3x और 5x। अब आगे क्या कह रहा है, देखिए संख्याओं का लस 60 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, देखिए संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का जब हम लस निकालेंगे तो वह लस कितना आपका 60 दिया। चलिए ये तो आपकी संख्याएं थी, अब बताइए जैसे आपका रहता है, जैसे अगर मैं 5 लिखूं और 10 लिखूं या फिर 5 लिखूं या फिर 2 लिखूं, ये दो संख्याएं हो गई, या फिर ऐसे लिख लीजिए 10 लिखें, ठीक, इन दोनों का लॉस क्या होगा, तो लॉस निकालते कैसे हैं, इधर से निकालते हैं, पहले 2 से काटेंगे तो 5 आएगा और आपका कितना आएगा 10 आएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखिए, एक आपका 10 है दूसरा आपका 15 है, तो इन दोनों का अगर हम लॉस निकालें तो क्या होगा, इसमें गुणनखंड करिए 2 × 5, इसका करिएगा तो क्या होगा 3 × 5, तो हम लोग लॉस निकालने से पहले देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है आपका 5 है, तो ये जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, इसके बाद जो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है इसमें नहीं है तो 2 को भी लिख लेंगे, 3 कॉमन नहीं है 3 को भी लिख लेंगे, तो इसको गुणा कर देंगे तो 5 × 2 = 10 × 3 = 30, ये क्या हो गया आपका लॉस 10 और 15 का। अब आपको क्या कर रहा है, 3x और 5x का लॉस बोल रहा है, वही बोल रहा है ना, देखिए संख्याओं का लॉस, तो आपकी संख्याएं माना एक 3x है दूसरी 5x है, तो चलिए चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। अब 3x का अगर हम करें गुणनखंड, 3 × 3x होगा, अब 5x है इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 3x होगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, x है तो x लिख लीजिए, अब इसमें कॉमन क्या है, 3 तो नहीं है 3 को भी लिख लिए, 5 तो नहीं है 5 को भी लिख लिए, इसका गुणा कर दिया तो 5 × 3 = 15x, लॉस कितना है 15x, तो इन दोनों संख्याओं का लॉस कितना है आपका 15x। तो यहाँ पे आपका क्या बोला है, यहाँ देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का, यहाँ देखिए संख्याओं का लॉस 60 है, तो संख्याओं का लॉस कितना है आपका 60,
तो हम जो लसन निकाले थे कितना आया 15x, तो 15x बराबर 60, तो x का मान निकाल लीजिए 60 में 15 इधर है, इधर भाग दे देंगे तो आपका आएगा 15, 15 कम 15 चौके 60, तो x का मान कितना आया 4, x का मान कितना आया आपका 4, तो वही पूछ रहा है आपका। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्याएं, संख्या क्या आपकी क्या थी, एक 3x थी, संख्या आपकी एक 3x थी, तो आपका देखिए इधर देख लीजिए, इसको बता देते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं, संख्या आपकी क्या थी, प्रथम संख्या, प्रथम संख्या बराबर कितनी थी 3x, तो 3 में यक्स, यक्स का मान निकाले हैं 4, तो 4 3 या 12, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आपकी क्या थी 5x, तो 5x तो बराबर कितना करेंगे 5 गुणते 4 बराबर 20, अब इन दोनों का लॉस निकाल के देख लीजिए आएगा आपका कितना 60, कितना आएगा आपका 60। तो यहीं पर इस वीडियो की हम लोग दोस्तों समाप्ति करते हैं। आप लोगों को कैसा वीडियो हमारा लगा कमेंट करके देखिए, एकदम जरूर बताइए, एकदम पूरा एकदम आज देसी भाषा में एकदम पढ़ाए हैं, अगर ऐसे मजा आएगा तो हम ऐसे ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो ठीक है, अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।